हरियाणा कैडर के वरिष्ठ आईएएस अधिकारी अशोक खेमका का 53वीं बार तबादला कर दिया गया है। जी हां, हरियाणा सरकार ने 1991 बैच के वरिष्ठ नौकरशाह अशोक खेमका के इस बार अभिलेख पुरातत्व एवं संग्रहालय विभागों का प्रधान सचिव बनाया गया है। इससे पहले इसी साल मार्च में खेमका का ट्रांसफर करते हुए उन्हें विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग का प्रधान सचिव नियुक्त किया गया था। करीब 27 साल के करियर में 53वीं बार तबादले पर अशोक खेमका का दर्द छलक पड़ा। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि फिर तबादला, लौटकर फिर वहीं। कल संविधान दिवस मनाया गया। आज सर्वोच्च न्यायालय के आदेश एवं नियमों के एक बार और तोड़ा गया। कुछ प्रसन्न होंगे, अंतिम ठिकाने जो लगा, ईमानदार का इनाम जलालत। बता दें कि अशोक खेमका 1991 बैच के हरियाणा कैडर के आईएएस अधिकारी हैं। वो गुरुग्राम में सोनिया गांधी के दामाद रॉबर्ट वाड्रा की जमीन सौदे से जुड़ी जांच के कारण सुर्खियों में रहे हैं। और बताया जा रहा है कि अशोक खेमका जिस भी विभाग में जाते हैं वहां घपले घोटाले उजागर करते हैं, जिसके चलते अक्सर उनका ट्रांसफर कर दिया जाता है और एक बार फिर उनका ट्रांसफर कर दिया गया है। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।